अपने रूम पे और सब लोग बैठे हुए हैं अभी। फर्स्ट क्लास। और हमने हर की पौड़ी के ही सामने अपना रूम ले रखा है, ज्ञान होटल। होटल्स में आ गए और ज्ञान होटल्स में है हम, सामने हर की पौड़ी है। और अब हम लोग पहुँचे हैं अभी 3 बजे करीब, और थोड़ी देर में हम जाएंगे नहाने और फिर हम करेंगे शाम की आरती बिल्कुल मस्त तरीके से। अभी हम लोग फ्रेश होने आए हैं धोने और थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और फिर हम निकलेंगे हर की पौड़ी के लिए। माँ जी लेके आई हैं अपने बहू बेटों को माया नगरी हरिद्वार में, और जो मंदिरों की नगरी कहलाती है। तो हम लोग दर्शन करने आए हैं मनसा देवी और मंदिरों का दर्शन करने आए हैं। और कमल जी थक चुके हैं बिल्कुल ड्राइव करते करते, और अभी हम लोग पहुंच गए हैं हरिद्वार। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं होटल्स के रूम में, बिल्कुल थक गए हैं बैठे बैठे ड्राइव करते करते। सुबह कितने बजे निकले थे हम लोग? 8 बजे 9 बजे निकले थे। और देखिए अभी हम कितना टाइम हो चुका है, 3 बजे पहुँचे हैं जाके। और यहाँ पे हम अपने होटल्स में हैं बिल्कुल हर की पौड़ी के सामने, और अच्छे अच्छे व्यू दिखाऊंगी, ब्लॉग दिखाऊंगी आपको, बहुत मज़ा आने वाला है। और हम लोग आए अपनी फैमिली के साथ, इस बार पापा जी नहीं आए क्योंकि उनको बिल्कुल ट्रैवलिंग करना अच्छा नहीं लगता है। तो पापा जी घर रुके हैं और देख रहे हैं अपना घर। कि पापा जी को बहुत इतना अच्छा नहीं लगता है घूमना फिरना। माँ जी के साथ आए, आओ माँ जी, माँ जी इधर आओ, आओ ना, आओ ना, आओ ना। माँ जी कैसा लग रहा है बताओ ना, फिर सबको सबको बताओ ना कैसा लग रहा है करके। कहाँ पे आए हम लोग? हम हल्की पौड़ी होटल में आए हैं, अभी हम नदी में हल्की पौड़ी में नहाने जाएंगे, पूजा करने जाएंगे, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, माँ जी मुझे दर्शन कराने के लिए लाई हैं अपने बेटे और बहू को, और हम लोग करेंगे अब दर्शन साथ में और फिर जाएंगे हर की पौड़ी में नहाने स्नान करने, और फिर करेंगे गंगा जी की आरती करेंगे। और बहुत अच्छा लगने वाला है हम लोगों को, आरती वगैरह हम करेंगे मस्त, बहुत अच्छा सा पूजा अर्चना करेंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि शादी के बाद मैं हरिद्वार आई हूँ, मेरा बहुत मतलब एक होता नहीं है कि मुझे हरिद्वार जाना है, हरिद्वार जाना, और वो मेरा ड्रीम पूरा हो गया क्योंकि मैं हरिद्वार पहले भी आ चुकी थी और माँ जी लेके आई, तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है हरिद्वार आने। किसकी याद आ रही है पहले बताओ तो? हाँ पापा जी की, पापा जी की याद आ रही है, तो फिर क्यों छोड़ के आए अकेला आप पापा जी को? ले आते पापा जी को, थक गए हैं हम लोग, लेट चुके हैं भाई। अब हम जा रहे हैं घाट के लिए, प्रस्थान कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरी कहीं चैन में बकरी आई है, आपकी चैन ही तो बकेगी। अब हम लोग जा रहे हैं भाई अपने घाट के लिए हर की पौड़ी पे, और यहाँ का हम व्यू दिखाते हैं आपको। अरे भाई कितना बढ़िया व्यू है, वाह मजा आ गया। वो देखिए मनसा देवी चमक रहा है, नहीं ये मनसा है, तो मनसा देवी दिख रही है। ये मनसा देवी कहाँ है भाई? से ये मेरे को पता नहीं है ये कौन सी देवी है, मनसा देवी है यहाँ से, तो मेरे को ये लोग कह रहे हैं मनसाई देवी। हम लोग जा रहे हैं हर की पौड़ी पे नहाने, माँ जी डुबकी लगाएंगी। आज एकादशी का व्रत रखा है माँ जी ने, और अपना व्रत यहीं पे तोड़ेंगी मतलब खोलेंगी। और हम लोग जा रहे हैं अब हर की पौड़ी पे डुबकी लगाने, और माँ जी को खिलाएंगे गर्मा गर्म पेड़े पूरी। होटल लो ना आप, लो ना हमारा होटल, होटल ज्ञान।
आओ बच्चो, रोनी को आगे बुलाओ, रोनी को आगे बुलाओ ना। कितनी भीड़ हो रही है ये, कितनी भीड़ हो रही है ये तो देखो, पहले घाट पे इधर आओ माची, यहाँ पे आओ। बाबू मैं वहाँ को कह रही थी, वहाँ को प्यारा लग रहा है। तो वो बना है चलो उधर चलो, इस तरफ ना है, इस तरफ ना जी, इस तरफ ना है या उस तरफ, सुनो माँ जी इस तरफ नहा लेंगे, बदलने का भी नहीं है, है तो वो इतने सारे हैं तो वो उधर ही बुलाओ ना उनको, कमल जी को अरे कहने उधर चलो नजदीक, उस तरफ नहाएंगे, आओ उधर बुलाओ, इधर आओ इधर। ये नहाए आओ इधर आरती के लिए, जब तक हम बैठे हैं ऐसा कर लो, है आरती के लिए जगह तो घेरो कम से कम, उनसे बोल दो हम आरती के लिए बैठे हैं, नहा के आ जाए। चलो फिर मिल जाएगी दुआ, नहीं क्यों खड़े हो जाएंगे दूर से जब आए तो। अभी नहीं भैया, हम नहाना धोना कर रहे हैं, हाँ भाई टावल कच्चे अंडर में एक पन्नी झोला बनिया है। यहाँ पे किसी पे दरवाजे नहीं है क्या? बारी बारी से ना हो गई जी, मारो टुक्की, आइए मैडम फोटो बना दो, एक हमारी फोटो खींच दो, ऐसे ऐसे खींचते भी जाना फोटो इससे।
कैमरे में हाथ मत रखो, पीछे मत रखो, ये वाली स्थिति गिरली, हाँ नीचे नीचे करो, हाँ तो गिरली चालू हो गया, ये चालू हो गया। करेले का है, करेले का
करेले का चार है, करेले का ये है भैया, करेले का। Thank you.